नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। एगो सोचने वाला भैया बात है, इस पे चर्चा करने वाला बात है कि सवरंग फिल्म अवार्ड खेसारी लाल यादव को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिल गया, बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड मिल गया, विरोधी स्टार को मिलवे नहीं किया। अभी सोशल मीडिया किंग अवार्ड खेसारी लाल यादव को मिल गया, एक और बीफे अवार्ड बेफा अवार्ड इस टाइप से कुछ था अभी हाल ही में, तो भी खेसारी लाल यादव को, खेसारी लाल यादव के मैनेजर को बेस्ट मैनेजर का अवार्ड मिला। इस तरह का है भैया, खाली भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको खेसारी लाल यादव भी दिखता है क्या? और कौन स्टार नहीं दिखता है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया खेसारी लाल यादव अवार्ड खरीद लिए हैं, पैसा दे करके वो अवार्ड खरीदे हैं। जी हाँ, सब मिले जुले हुए हैं। तो खेसारी लाल यादव तो भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में बाद में आए, बाद में खेसारी लाल यादव का भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान बना। उससे पहले तुम लोगों के पिताजी का पहचान मान सम्मान था, तो तुम्हारे पिताजी पैसा देकर के ये सवरंग फिल्म का अवार्ड नहीं खरीद लिए हैं, सोशल मीडिया किंग अवार्ड नहीं खरीद लिए हैं? कहे खरीद लेना चाहिए। अब बेस्ट मैनेजर का अवार्ड विवेक सिंह को मिला, सोनू पांडे को मिला, तो बहुत सारे लोग झरक गया, हाथ में आ गया। अरे सोनू पांडे को, अरे महाराज मिला तो मिला। अब भोजपुरी में इतना इतना स्टार है भैया, कोई स्टार का मैनेजर का नाम नहीं जानता है। जी हाँ, सब और सिर्फ खेसारी लाल यादव के मैनेजर को कोई से भी आप पूछ लीजिएगा, चाहे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग देख लीजिएगा, चाहे आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट कर दीजिएगा, देखिए आपको कोई रिप्लाई दे देगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ना कि खेसारी लाल यादव का बेस्ट राइटर कौन है, तो आपको देखने को मिलेगा खेसारी लाल का राइटर कौन कौन है वो देखने को मिलेगा आपको। खेसारी लाल यादव का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है वो देखने को मिलेगा। खेसारी लाल यादव का मैनेजर कौन है वो आपको देखने को मिलेगा। सारा कुछ देखने को मिलेगा, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, सब आपको देखने को मिलेगा कमेंट बॉक्स में। समझे ना, कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए, जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। जी हाँ, ये बात सबको मालूम है, इसलिए। और अवार्ड सोशल मीडिया किंग अवार्ड मिला, ये भी तो खरीद लिया पैसा देकर के, तो तुम लोग के पास पैसा नहीं है, खाली खेसारी के पास पैसा है। हैं, तुम लोग भीख मांगा भूखा नंगा तुम लोग क्या रे? मैंने कुछ भी कर दे तो खेसारी लाल यादव पैसे दे के करे कराया। हमको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना भी सुपर स्टार है सबसे ज्यादा पैसा खेसारी लाल यादव के पास है क्या? अभी चिंटू पांडे कौन है वो अवार्ड कराया, किसी को बोले भी नहीं कि अपना प्राइज अपने घर ही ले गया, उसमें कोई नहीं बोला। तो जितने भी दर्शक और जितने भोजपुरी परिवार इस वीडियो को देख रहे हैं सबको भावने दीजिए भैया, खेसारी लाल यादव इतिहास मशीन है, हम लोग का शेर, उनको शेर ही रहेंगे और हम लोग दिल से उनको शेर मानते हैं। और वही भैया सोशल मीडिया किंग है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का किंग वही है। जी हाँ, जो लंबा लंबा छोड़ते हैं कि लकीर खींच दिए, लकीर खींच कर फकीर कहे बने महाराज? अपना लकीरवा आप खाली लकीर खींचे हैं और खेसारी लाल यादव सब लकीर मिटा दिया और अपना लकीर बनाया खेसारी लाल यादव। तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में देवी गीत 100 मिलियन पार नहीं करता, भतीजवा के मौसी 300 मिलियन पार नहीं करता, ठीक है? आप लोग जैसा स्टार है तो कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड नहीं बनता, समझे ना? बाकी जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग खेसारी लाल को बधाई दीजिए, इसके लिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे तो सॉरी, इतने लेट से वीडियो बनाए, लेकिन खेसारी लाल यादव इसी तरह जीवन में तरक्की करते रहे, यही बाबा अवैधनाथ धाम से हमारा कामना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद, जय श्री राम।